और वहीं रोहतक से बड़ी खबर, जहां पर जमीन धोखाधड़ी के मामले में रामपाल को बड़ी राहत मिली है। रामपाल सहित चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है, तीन आरोपी दोषी करार दिए गए। 7 मई को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा। 2006 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की जमीन की रजिस्ट्री कराने का पूरा मामला था। रामपाल पर था फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप। तो बड़ी खबर आपको बता दें रोहतक से है, जहां पर जमीन धोखाधड़ी के मामले में रामपाल को बड़ी राहत मिली है। रामपाल सहित चार आरोपियों को